हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की 21,000 भर्तियों पर भर्ती विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है और आप सभी लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में यहां पर मिलने वाली है। पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत यहां पर देखिए ANM, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट जो है इस भर्ती विज्ञापन में शामिल कर ली गई हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पे ये रहने वाला है और पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन के तौर पर योग्यता आपसे क्या क्या यहाँ पर मांगा जा रहा है, सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। और देखिए, अंत में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ओर यहाँ पर ले चलूँगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, एक एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा, एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आपको किस तरीके से यहाँ पे भरनी है। तो अंत में मैं आपको यहाँ पे आवेदन पत्र की ओर यहाँ पे ले चलूँगा और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें और इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी इतना वीडियो से। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये 21,000 वैकेंसी यहाँ पर जो रिलीज की गई हैं कहाँ पर आई हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, मीन्स यहाँ पर जो है उड़ीसा सरकार के अंतर्गत जो है यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, ऑर्डर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना होगा। सीधे से यहाँ पर वैकेंसी टेबल की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पर भर्ती विज्ञापन में जो शामिल की गई है वो रहेगी यहाँ पर ANM के लिए। और यहाँ पर देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर आपसे क्या क्या यहाँ पर मांगा जा रहा है, अनएम्प्लॉयड ट्रेंड एंड रजिस्टर्ड ANMs, जो यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयड ट्रेंड यहाँ पे ANMs यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड यहाँ पे हैं तो ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कहने वाली बात है, ANM वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्रॉक्स देखिए 7,000 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड यहाँ पे जो बताया जा रहा है, 7,000 पोस्ट है ANM की वैकेंसी के लिए। और देखिए, 850 रुपये आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा, पर डे बेसिस पे ये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, 850 रुपये जो है ANM की पोस्ट के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं दूसरी पोस्ट की ओर, तो देख पा रहे हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे योग्यता आपसे क्या क्या चाहिए, अनएम्प्लॉयड ट्रेंड एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेंड एंड रजिस्टर्ड ANMs। कहने वाली बात है, जितने भी फार्मासिस्ट की यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, अप्रॉक्सीमेटली जो है 7,000 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं, स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे 7,000 पद यहाँ पे रहेंगे। और देखिए, डेली बेसिस पे जो है 1,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 1,000 रुपये डेली आपको यहाँ पे सैलरी, जो भी आपका यहाँ पे मानदेय रहेगा, जो भी आपका जो है यहाँ पे मेहनताना रहेगा पर डे का, आपको यहाँ पे 1,000 रुपये इस पोस्ट के लिए दिया जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अंतिम जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है वो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पे, कि देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी रहेगी और देखिए इसमें भी बोला जा रहा है अनएम्प्लॉयड ट्रेंड एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेंड रजिस्टर्ड ANMs। कहने वाली बात है, ANMs वाले जितने भी यहाँ पे हैं और यहाँ पे फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन जो रखते हैं, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए, 7,000 पोस्ट इनके लिए भी यहाँ पे रखी हुई हैं और 1,000 रुपये जो भी है पर डे बेसिस पे आपको मेहनताना दिया जाएगा, जो भी है आपको सैलरी पैकेज जो है 1,000 पर डे बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए, 7,000 यहाँ पे वैकेंसी मैंने आपको बताई है और ये थी फार्मासिस्ट के लिए। और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ तो देखिए, ये वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स के लिए, तो ये भी देखिए 7,000 है, 14,000 यहाँ पे हो गई है। और देखिए, अंत में जो है ANM की वैकेंसी, ये भी यहाँ पे 7,000, तो टोटल यहाँ पे देखो ये 21,000 वैकेंसीज पर ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है और बिल्कुल आप लोगों को आवेदन यहाँ पे जरूर करना है। और सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर बढ़ा दी है। तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे देना होगा, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट है, चाहे ANM की हो, चाहे यहाँ पे स्टाफ नर्स की हो, चाहे यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट जो बोली जा रही है, द लास्ट डेट ऑफ द रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन इज 27 जुलाई 2020 शाम के 5:30 बजे तक। कहने वाली बात है, 27 जुलाई 2020 शाम के जो है 5:30 बजे तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे अप्लाई
अप्लाई करेंगे। और आप लोगों को देखिए आवेदन जो करना है, आप लोगों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजनी होगी। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे भेजेंगे, ऑफिस ऑफ द CDM एंड PHO देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जाके आप लोग जो है अपना यहाँ पे आवेदन भेजेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। लास्ट डेट के बाद देखिए अब मैं आपको सीधे से यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आवेदन पत्र का यहाँ पे प्रारूप दिया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको यहाँ पे फिल करना है। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो देखिए इसकी जानकारी आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दी गई है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी लोग जो है अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है एडवर्टीजमेंट नंबर के तौर पर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो रहेगा नेम ऑफ द पोस्ट। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है तो स्टाफ नर्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपके फार्मासिस्ट की पोस्ट तो फार्मेसिस्ट डालेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों की यहाँ पे ANM वाली पोस्ट है तो ANM की पोस्ट यहाँ पे फिल करेंगे। और देखिए फिर उसके बाद देखिए आपको एक पासपोर्ट साइज, अभी हाल ही में जो भी आपका खिंचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। और देखिए इसके बाद जो है आपको अपनी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। एप्लीकेशन नेम जो भी आपका है, एप्लीकेंट नेम जो भी आपका नाम है, आपको यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में केयरफुली तरीके से यहाँ पे लिखना है। जो भी 10वीं की मार्कशीट पे यहाँ पे लिखा है, 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी फिल है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए फादर का नेम, मीन्स जो भी आपके पिता का नाम है, जो भी आपका नाम यहाँ पे 10वीं के मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखा है, वही फादर नेम जो है आप लोगों को यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे फिल करना होगा। स्पेलिंग और यहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुली तरीके से फिल करनी है, बाद में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काफ़ी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके 10th क्लास की मार्कशीट में लिखी गई है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल है तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और मेल है तो आप लोग यहाँ पे मेल लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे एज कैलकुलेट करनी है, कितने एज के आप लोग यहाँ पे हो गए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर देखिए आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डालनी है, प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, और देखिए जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग लिखें, और दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। और फिर देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा, तो जो भी आपका चालू हालत में मोबाइल नंबर है आप लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करें। ईमेल आईडी जो भी आपकी है आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करें। और देखिए बोला जा रहा है लैंग्वेज स्पोकन, कौन कौन सी लैंग्वेज आप सभी लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो जो भी आप लोग लैंग्वेज यहाँ पे जिसका ज्ञान आप लोग यहाँ पे रखते हैं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लैंग्वेजेस के नाम। और देखिए फिर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, जो भी आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट है तो 10th क्लास की मार्कशीट की, जो आपका स्कूल यहाँ पे रहा था तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे, कौन से ईयर में आप लोगों ने यहाँ पे पास की है तो वो ईयर का आप लोग यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो भी ईयर यहाँ पे रहेगा पासिंग ईयर। फुल मार्क्स आपने कितने प्राप्त किए, कितने में से किए, कितने मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पे फुल मार्क्स थे और मार्क्स कितने आप लोगों ने स्कोर किए, परसेंटेज आपके कितने हैं, और ड्यूरेशन कितना रहा था, तो इसी हिसाब से जो है 12th क्लास का आप लोग यहाँ पे फिल करें। और जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान के चलता हूँ ANM है तो ANM की जानकारी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, कब से कब तक का था, कितने मार्क्स और कितने साल का ड्यूरेशन है, और यहाँ पे स्टाफ नर्स का, तो उसी हिसाब से आपको फार्मासिस्ट का, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्वालिफिकेशन के तौर पर डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, देखिए एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे दर्ज करें। और टोटल ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखते हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और देखिए आप लोगों को एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि मान के चलता हूँ आपका नाम है तो आप लोग अपना नाम फिल करेंगे, कौन सी पोस्ट पर थे तो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना है, कब से कब तक का आपका यहाँ पर अनुभव रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, कितने मंथ करा, कितने ईयर करा, तो देखिए कितने ईयर करा कितने मंथ करा, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास रखते हैं तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा दें। और देखिए नीचे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भरनी है, जो भी प्रेफरेंस रहेगा, जो भी आपकी आपका मन चाहा, आपका जो भी जिला है आप लोग चाहते हैं कि आपको यहाँ पे जगह मिले, आपको यहाँ पे अपना कार्य करने का मौका मिले, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे साइन करना है, डेट आपको फिल करनी है, उसके बाद प्लेस आपको यहाँ पे फिल करनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लिस्ट करने होंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, 10th क्लास की मार्कशीट हुई, 12th क्लास की मार्कशीट हुई, जो भी आपका डिप्लोमा
डिप्लोमा है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप लोगों को सारे सर्टिफिकेट्स और जितनी भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर डोमिसाइल, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर अंत में देखिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, जो भी आपका यहाँ पर सिग्नेचर है फुल सिग्नेचर आप लोग यहाँ पर करेंगे जो भी आपका यहाँ पर रहता है। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर की है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे आवेदन कर दें और यहाँ पे भेज दें और इस भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे शामिल हो जाएं। और देखिए 21,000 सरकारी भर्ती पे पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इस मौके को ना छोड़ें और एक बार अप्लाई जरूर करें। जो भी आपका डिसीजन रहता है बाद में, वो आप सभी लोग वहाँ पे बाद में भी डिसीजन ले सकते हैं, अभी हाल की हाल जो भी है आप लोग यहाँ पे आवेदन जरूर करें। और देखिए उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उड़ीसा राज्य का यहाँ पे होना चाहिए, एएनएम का हो, चाहे यहाँ पे स्टाफ नर्स का हो, चाहे यहाँ पे फार्मेसिस्ट का हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो और देखिए जितनी भी आप लोगों की जॉइनिंग वगैरह है कोविड केयर होम्स के अंतर्गत यहाँ पे रहेंगे, जो भी कोविड केयर हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो बनाए गए हैं और यहाँ पे जो गृह बनाए गए हैं और कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए ही आप लोगों को अपनी सर्विसेज यहाँ पे देनी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दी है और उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से यहाँ पे मिली है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर कर देना है, सभी लोगों को ये जानकारी शेयर कर दें। 21,000 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है, सभी लोगों को ये जानकारी शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स लोगों को, सभी लोगों को बोलें कि यहाँ पे आवेदन यहाँ पे सबको करना है। और देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट और नेशनल हेल्थ मिशन की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।